लेडी डॉक्टर की लापरवाही से अरकान खानदान की किफालत करने वाली 25 साल लड़की की मौत हो गई। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में डॉक्टर फरहाना गालिब हॉस्पिटल में ये वाकया पेश आया। खातून की वालदा ने बताया कि उन्हें इंसाफ चाहिए, ये लड़की मुलाजिमत करती थी। उन्होंने कहा कि लड़की हामिला थी और जजगी के लिए दवाखाने को लाया गया था, जहां पर खातून डॉक्टर की लापरवाही के नतीजे में लड़की की मौत हो गई। मैं बच्ची की मम्मी हूँ, सुमैया अंजुम। मेरी बच्ची का नाम था समरीन अंजुम। 4 बजे दवाखाने को लेके गई थी मैं, बच्ची को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। का नाम बोलिए। डॉक्टर फरहाना गालिब है सर। कहाँ पे हॉस्पिटल का ये? पलटन। पलटन में अलग बेड पलटन। बोलिए क्या हुआ? क्या बनू है, क्या कर गए? पूरा ट्रीटमेंट हुआ भाई? ट्रीटमेंट हुआ, नॉर्मल होती बच्ची। टेस्ट करे, सब करे, सब नॉर्मल होगा, सब टेस्ट हुए, सब नॉर्मल है। आइन टाइम पे सुबह में डिलीवरी करी उन्हें 11:30। जैसा हुई नॉर्मल करे, सब नॉर्मल है। बीपी नहीं है बच्ची को, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेस्ट करे बाद क्या बोली बोलते, बच्चा रोया नहीं। बच्ची कहीं क्या हुआ मैडम बोलते, मैं भी नहीं देखी क्या है कि बच्चा कहीं को नहीं रोया बोलते। जरा ऊपर लिख जाके, ऊपर डॉक्टर है, बाद वक्त बच्चे नहीं रोते ठीक है। उसके बाद पहले बच्ची तड़प रही तो मैं बोली मैडम सीजरिंग कर डालो, सीजरिंग कर डालो बोली मैं, कर दो बोलते नहीं, नॉर्मल होने के चांसेस है, रास्ता साफ है, अपने और बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ सीजरिंग करेंगे माँ। नॉर्मल होती कब होती? अब भी होती। कब होती? सुबह में 11:30 तक तड़पाई बच्ची को। सीजरिंग करो बोले भाई, नॉर्मल बच्ची तड़प रही थी बहुत, पेन्स के लिए पेन। आवाज़ ये हो गई बच्ची की, करो बोलते नहीं अम्मा नॉर्मल होती, रास्ता साफ है, बीपी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं बच्ची, क्या है मैडम बोलते, क्या है कि मैं भी नहीं देखी बच्ची रो, बच्चा है, बच्ची है पूछी मैं, नहीं रोए नहीं, ऊपर बच्चों का डॉक्टर है, लेके गए, कोई भी आके बात करो। अच्छा बोल के अब हम लोग हैं बच्ची को, अब उसके बाद आए तक बच्ची चीखा मार के रो रही, क्या कर रहे मैडम बच्ची, फिर कहीं को तड़प रही बोलते, नहीं अम्मा वो जरा साफ होए कर रहे बोल के बोली। उसके थोड़ी देर के बाद फिर बच्ची वैसी रो रही, ऐसा क्या कर रहे मैडम बोलते, नहीं अम्मा ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा, बच्ची को बहुत ब्लीडिंग हो रही बोलते, कह क्यों मैडम क्या कर दिया ऐसा, क्या काट दिया आप पूछी मैं, नहीं अम्मा बच्ची के मसल्स नहीं बने। मैं बोली 25 साल की बच्ची के मसल्स नहीं बनते मैडम, शादी होके बच्ची को सब नॉर्मल है, आप सीजरिंग कहीं को नहीं करे फिर बोले तो, नहीं सीजरिंग करे तो भी बच्ची के मसल्स नहीं बने ना, खून नहीं रुक रहा, ठीक है खून मंगाओ। मैं बोली ठीक, खून मंगाई, खून मंगाए बाद भी क्या बोली मैं, देखो अम्मा बच्चेदानी निकाल देना पड़ता, बच्चेदानी को निकाल देना पड़ता बोल तो। मैं बोली मैडम 25 साल की बच्ची है ना, बोल तो नहीं अम्मा निकाल देना बच्ची की दांतों। मैं बोली ठीक है मैडम, बच्ची पढ़ी लिखी है, एमटेक लास्ट ईयर है मेरी बच्ची का, ये बच्ची जॉब कर रही थी, जॉब भी कर रही थी बच्ची, हमारे बेटे के बराबर है वो बच्ची, बोली बेटे के सामने रखा मेरी बच्ची को, मेरे 4 भी बेटी है भैया, मेरे को इंसाफ होना। मैं बोली ठीक है मैम, बच्चेदानी निकाल दो, मेरे को बेटा नहीं है, 3 भी बच्चियां थे, मेरी बड़ी बच्ची थी वो, मेरी बड़ी बच्ची एमटेक कर रही जॉब करने वाली बच्ची थी, मेरे को बेटे की जैसी बच्ची थी मेरी, वो मेरी बच्ची को ये कर दिए मैडम, गाली पीली के सीजरिन कर दो बोल के बोले भाई, आखिरी में नहीं हो रहा सीजरिन कर दो मैडम, मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सक रही, तो नहीं होता नॉर्मल होता, नॉर्मल होता बोल के बोले भैया, नॉर्मल हुआ बच्ची को प्रॉब्लम है बोले, बच्ची को सीधा वहाँ को लेके चले काम पे, नीलोफर को लेके गया मैं, नीलोफर को लेके तो बच्ची को हेड में ब्लड क्लॉट हो गया बोल के बोले, बच्ची वेंटिलेटर पर है वहाँ पर, अब यहाँ पर बच्ची को ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ब्लड लेकर आओ बोल के बोले, जाके मैं ब्लड लेके आया, व्हाइट ब्लड क्लॉट लेके आया बोले, वो भी लेकर आया, फिर रेड लेके आया बोले, फिर रेड लेके आया, 3 बार लाया भाई ब्लड, ब्लड लाने के बाद भी क्या बोली मालूम है, खून नहीं रुक रहा, बच्चेदानी निकाल देना बोल के बोले, ठीक है बच्ची बच रही ना निकाल दो बच्चेदानी, यू बोला मैं, बोली देखो मैडम मेरे को 4 बच्चियां हैं, ये बेटे के बराबर है मेरे को, आप निकाल दो, निकाल दो बच्चेदानी भी निकाल दो, जान बचा बच्ची को बोले, उनका हस्बैंड नहीं है ना, बच्चा नहीं लेके आया तो भी मैं रख लेती हूँ, बच्ची का ब्लड ऐसा अपन रख कट गए तो कैसा निकलता, वैसा निकल रहा खून, फुल ब्लीडिंग हो रही थी भैया बच्ची, बकीट एक बकीट भर गई, ब्लीडिंग जाके चेस्ट पेन आ गया, चेस्ट पेन आते ने मैं गया अंदर, मैं जाके देखा तो मेरे को दीदा खोल के देखी भैया बच्ची, देखे पापा मेरे को पेन बहुत हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, मेरे हस्बैंड को बुलाओ बोली बस, ये बात हम लोग डॉक्टर को बोले तो बोले तो क्या बोले मालूम है, आखिरी में मेरे से नहीं होता दूसरे दवाखाने को लेके जाओ, तो कहाँ लेके जाना बोला मैं, कहीं भी लेके जाओ, मेरे पास इसका मशीन नहीं है, तो मशीन नहीं है तो तुम पहले बोलना ना, हाँ कोसे की डॉक्टर ने जैनब डॉक्टर बोल के है, डॉक्टर फरहाना
पराना गालिब फैसर बोल के देखो सब मां मां देखी मैं बच्ची का हाथ पकड़ी हाथ गिर जा रहा बच्ची का सर पकड़ी मुंडी भी गिर जा रही मैडम ऐसा काई को कर रही बच्ची पूछी से लेके तो यशोदा को बोल के सोता हूं ऐसा हुआ ना और बच्ची का तो हार्ट यहीं रुक गया ये हॉस्पिटल में रुक गया चार पूरे नर्सा घेर लिए पैरा लगड़ नहीं हथेलियां लगड़ नहीं छाता दबा रही क्या हुआ मैडम सांस नहीं ले रही बच्ची बोल तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ बच्ची बोल रही अम्मी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा अंधेरी आ रही मेरे को सांस नहीं आ रही खत्म बच्ची सांस नहीं ली भाई नहीं ली भाई पूरे लगड़ रही हूँ मैं बोली अब मैं कैसा लेके जाऊँ ब्लड नहीं रुक रहा बच्ची का सिचुएशन देख के हम डर के भी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ ठीक है रेफर करो बोला मैं आपका कोई दवाखाना है बड़ा तो रेफर करो मैं लेके जाता हूँ डॉक्टर को बुलाओ अचानक आप ले जाओ बोलते मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई आप लोग बोलो वैसे भी डॉक्टर को बुलाओ कितने भी पैसे होंगे डिलीवरी हो गई अब उन्हें ब्लीडिंग हो रही बच्ची को साफ कर रहे हैं साफ कर रहे बोल रहे छोटे छोटे जो काम करते ना रख लिए इन्हों डॉक्टर ने ऊपर चले गए जबकि बच्ची को जाके क्या उन्हें हल्लू ने समझ गए फराना समझ गए क्या बोल के मालूम हाँ हल्लू निकल के चले गए डॉक्टर को बुलाओ बोले तो नमाज पढ़ रहे एक घंटा नमाज पढ़ते हो ना बच्ची को यहाँ पर अनकंडीशन छोड़ के जाके नमाज पढ़ लेते बैठती हूँ ठीक है नमाज कितनी देर होती भाई नमाज 5 मिनट होती 10 मिनट होती भैया मेरे को इंसाफ होना भाई आप मीडिया वालों से गुजारिश है मेरी बच्ची वो बेटे की जैसी थी भैया मेरी बच्ची बेटा था वो मालूम है मेरी बच्ची बेटे की जैसी थी बोली मैडम बच्चेदानी निकालो मगर बच्ची बच्चेदानी भी निकाल दो बोलो भैया हम लोग बच्ची बस्ती बोलो तो निकाल दो बोला भैया भाई पूरा एंडिंग पे आके लेके जाओ तो कहाँ लेके जाओ भैया मार दिए भैया मेरी बच्ची को लगा के मार दिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद